हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में परशुराम की प्रतीक्षा हो रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दावा कर रही है कि वो सत्ता में आई तो परशुराम की एक से एक बढ़कर बड़ी प्रतिमा लगाएंगी। और इसी पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान आ गया है। एसपी की प्रस्तावित प्रतिमा से हम बड़ी प्रतिमा लगाएंगे, ये कह रही हैं बीएसपी प्रमुख मायावती। दरअसल ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है प्रदेश में धड़ाधड़ हो रहे एनकाउंटर्स के बाद। राजनेता ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में एक जाति विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के जितेन प्रसाद ने इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को जन्म दिया, लेकिन पुलिस का दावा है कि मारे जा रहे सभी अपराधी हैं जिनकी कोई जात नहीं होती, पुलिस ये कह रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी में होड़ लग गई है, परशुराम की प्रतिमा बड़ी कौन लगाए। दरअसल बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों ब्राह्मणों को रिझाने के लिए परशुराम की प्रतिमा के बहाने राजनीति कर रही है, और इसको लेकर ही अब उत्तर प्रदेश में प्रतिमा एक से एक बड़ी प्रतिमा लगाने को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। हालांकि पुलिस पर जो ये आरोप लग रहे हैं, इसकी शुरुआत कांग्रेस के जितिन प्रसाद ने की थी। पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक बनाने का काम उनका था, और पुलिस इस पर लगातार ये कह रही है कि अपराधी की जात नहीं होती कोई। और अब ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। सपा की तरह कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है, अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी।